गुजरात विधानसभा की चूंटनी पहला भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रमुख के जेमनी पर समग्र गुजराती जवाबदारी है। तेवना ज मतक्षेत्र में भाजपी आगेवानो अने कार्यकर्ताओ मोटी संख्या में आम आदमी पार्टी एटले के आप में जोड़ाता भाजपीओ में आज चिंता जोवा मळी छे। 1100 થી પણ વધુ ભાજપીઓ આપમાં જોડાયા છે। ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે ભાજપ એક તરફ કોંગ્રેસીઓને તોડવાનો પ્રયાસ કરતી હોવાનો આક્ષેપ વચ્ચે ભાજપીઓ હાલ આપ તરફ ઢળી રહ્યા હોવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે। સુરતના ઉધના વિસ્તાર કે જે ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલનો મતક્ષેત્ર હોય તે જ વિસ્તારના ભાજપના 1100 થી પણ વધુ આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ ભાજપથી નારાજ થઈ આમ આદમી પાર્ટી આપમાં જોડાયા હતા। आम आदमी पार्टी मनोज सोरठिया ने विलास पाटिल हस्ते 1100 થી પણ વધુ ભાજપીઓએ આપનો ખેસ પહેર્યો હતો, જેને લઈને ભાજપીઓમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે। આજ ગુજરાત કે અંદર આમ આદમી પાર્ટી કા કારવા જો હૈ વો બઢતા જા રહા હૈ। ગુજરાત કે લોગ જિસ પરિવર્તન કી ઉમ્મીદ લગાએ થે વો ઉમ્મીદ જો હૈ ઇસ ચુનાવ કે અંદર આમ આદમી પાર્ટી કે રૂપ મે પૂર્ણ હોને જા રહી હૈ। આપ સબ દેખ રહે હૈ કી ગુજરાત કે અંદર गुजरात की चिंता करने वाले, गुजरात के लोगों की चिंता करने वाले, ये भ्रष्ट तंत्र के सामने लड़ने वाले जयसिंह भाई जैसे कई लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। आज यहाँ इस मंच से जुड़ने वाले जयसिंह भाई और उनके साथ जो और साथी जुड़ रहे हैं उन सबका मैं पार्टी के अंदर स्वागत करता हूँ। हम सब साथ में मिलके ये लड़ाई जो है वो आने वाले दिनों में गुजरात की जनता की लड़ाई लड़ने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से ये कारवा आगे बढ़ रहा है, गुजरात के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो है वो तैयार बैठे हैं और इस बार गुजरात में परिवर्तन निश्चित आके रहेगा और गुजरात के अंदर आम आदमियों की आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। छोड़ने का क्या कारण बताया गया जो अन्य पार्टी में जुड़े थे, आम आदमी पार्टी में उनको क्या कारण? तो ज़्यादातर वो बताएंगे, आज भाजपा और कांग्रेस दोनों से कई मजबूत नेता जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। मगर जहाँ तक गुजरात की जनता और गुजरात के नेताओं का सवाल है, गुजरात के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ की सत्ता जो इस पार्टी से फेड अप है, थक चुके हैं, इनकी तानाशाही से थक चुके हैं, इनकी जो भ्रष्टाचार है उनसे थक चुके हैं। और कहीं ना कहीं सबको ये लग रहा है कि अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अगर देश का फ्यूचर बचाना है, भविष्य बचाना है, तो इस पार्टी से अब बाहर निकलना पड़ेगा। और जो नया विकल्प देश के अंदर उभर रहा है, अरविंद केजरीवाल नाम की एक आंधी जो है वो पूरे देश के अंदर छा रही है और उसके साथ सब जुड़ रहे हैं। हम लोग आम आदमी हैं, यहाँ मेरे साथ जुड़ने वाले सारे लोग आम आदमी हैं। हम कभी चुनावी राजनीति में नहीं थे, मगर आज जैसे इस गुजरात की समय की मांग है और आम आदमियों को बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ी, तब पूरा प्रदेश से सारे सक्षम लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और जो सबसे बड़ा कारण है कि गुजरात की जनता को परिवर्तन चाहिए और वो परिवर्तन आम आदमी पार्टी दे सकती है। मैं पिछले 9 साल से बीजेपी में था, बीजेपी से काफ़ी उम्मीदें थी कि एक बोलने वाला प्रधानमंत्री आया है जो बोल रहे हैं कुछ करेंगे देश के लिए, कुछ जनता के लिए करेंगे, आम लोगों के लिए करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे, मजदूर के लिए करेंगे, लेकिन वैसा कुछ 9 साल के मेहनत में ऐसा कुछ दिखा नहीं। मतलब जनता ठगी ठगी महसूस की और एक उम्मीद दिखा केजरीवाल जी में, आम आदमी पार्टी में। और हमने देखा दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार, उससे ऐसा उम्मीद जगा कि मतलब गुजरात में भी परिवर्तन होगा तो दिल्ली और पंजाब जैसा यहाँ के लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी सुविधाओं में परिवर्तन आएगा, आम आदमी को राहत मिलेगी, इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। आपके साथ में कितने कार्यकर्ता हैं? 1100 लोग हैं हमारे साथ और वो सभी के सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हाल तो सामी चूंटनी भाजपथी नाराज थेला कार्यकर्ता ने आगेवानोए आम आदमी पार्टी नो खेस फेरता आवनार विधानसभा चूंटनी में भाजपने मोटो फटको पड़शे तेम लागी रह्युं छे।